नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती सारी से एक बार फिर आपके सामने कुछ गाउंस के नए डिजाइन लेके सैंपल्स। ये देखिए कि इस तरीके के सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डिजाइन्स भी चल रहे हैं, इसे कोड वर्क बोलते हैं। रेंज वाइज बिल्कुल ओके पीस है। 2200 रुपये, 2200, 2200 रुपये का, 2200 रुपीज। ये इस तरीके से हो गया फ्रंट और इसका बैक। 38 साइज पे बने होते हैं, अंदर मार्जिन होता है बड़े आराम से, 42 तक बहुत आराम से चले जाते हैं। इसी में एक और डिजाइन, ये देखिए, और बैग भी देखिए इसकी, ये बैग 2500 रुपए पीस। बिल्कुल, मतलब मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा ऐसे कि इन सब में एक पीस में लेके आया हूँ दिखाने के लिए, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी दिखा सकूं। ये देखिए, और नीचे से भी देखिए कि कितना अच्छा इसमें फ्लेयर अच्छा है। रेंज वाइज 2350 रुपीज, 2350 रुपए का। ये देखिए 2350, और आगे जो जितना देखिए सब में जिस तरीके से एक ही जर्गन की चमक देखिए। कटदाना फ्लावर में भी हमने एक लड़ी सी लगाई हुई है, लड़ी लगाई हुई है कटदाने की। ये देखिए 2350 रुपये। ये देखिए, और सिंपल सोबर डिफरेंट डिजाइन वर्क का, पास से भैया वर्क का गेटअप ले लो इसका, एक एक नग की चमक शाइनिंग ये देख लेंगे। और रेंज वाइज पीस, और पीछे से भी मैं दिखाता हूँ आपको डिजाइन। ये देखिए कितना बेहतरीन डिजाइन जॉर्जेट पे, लेकिन ऐसे पकड़ना थोड़ा सा। ये देखिए फ्लेयर देखिए, बहुत बढ़िया फ्लेयर। रेंज वाइज बिल्कुल ओके, 2625, 2625 रुपये। नीचे में पूरे में गोल्डन प्रिंट भी हो रहा है उसमें। ये देखिए बहुत बढ़िया डिजाइन, नीचे इम्पोर्टेड फैब्रिक सारा। ये फ्लेयर मेन खेल होता है फ्लेयर का, फ्लेयर छोटी कर दो, साइज में छोटा कर दो। सिंपल सोबर डिजाइन ज्यादा, जिसमें कि मुझे ज्यादा काम नहीं चाहिए, सिंपल सोबर चाहिए उस तरीके से। मार्जिन अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये देखिए दोनों साइड 42 के, तो 44 चला जाता है, 1800 रुपये, 1800 रुपीज होंगे। ये देखिए इसमें हमने ये आगे पूरा इस तरीके से, और पीछे हमने इसको थोड़ा सा हल्का कम कर दिया, ये पीछे प्लेन कर दिया, इससे पैसे काफी कम हो गए, 2250 रुपए का। अदरवाइज ये फैब्रिक बहुत महंगा है, यदि इसको करते तो 3000+ की रेंज में चले जाता, तो इसको रेंज कम करने के लिए 2250 रुपए की रेंज में लिया, और इस तरीके से हो गया। और ये देखिए क्रॉप टॉप, एक सेकंड की फोटो, इसमें वर्क देखिए, स्टाइल देखिए। पहले पास से क्लोजअप ले लीजिए, फ्लावर कितना बढ़िया अलग से, और पीछे भी ये देखिए वर्क, और इसकी स्कर्ट देखिए, स्कर्ट में एक तो ये दी हुई, यहाँ पे फ्रिल दी हुई है, उसके नीचे ये इस तरीके से पूरी बढ़िया आइटम, 3150 रुपए, 3150। इसका ये दुपट्टा, दुपट्टे में भी फ्रिल और कोट पूरे में लगाई हुई है, 3150 रुपए, लाइट कलर में पीस। ये जर्कन का, ये देखिए इसमें पूरे में बेल्ट, फ्रंट पूरे में बेल्ट इस तरीके से जर्कन की, और काम, और नीचे तक देखिए कोट लगाई हुई है, फ्लेयर अच्छा दिया हुआ है, और जर्कन का इस पे भी वर्क देखिए पूरे में, 2350 रुपए, और जर्कन में शाइनिंग देखिए कितनी बढ़िया, 2350 रुपए, 2350। ये देखिए पीस पूरे में नीचे
थोड़ा सा ना जो मैंने जैसे कहा स्टीम करके आप कस्टमर को दें नीचे, तो यही पीस के पैसे बहुत अच्छे मिल सकते हैं आपको जब इसमें गेटअप आता है इसको लगाएंगे। 2250 रुपये इसके संग ब्लाउज ये दिया है हमने, 2250 2250 बहुत बढ़िया पीस। ये ग्लिटर पे, ग्लिटर पे स्टिकर्स, और एक ये चीज बनाई है अटैच दुपट्टे में इस तरीके से, इसमें गोल घूम के आएगा पूरे में, पूरे में काम बहुत अच्छा हैवी पीस। नीचे 3 फेल डाल दी, मैं पकड़ लेता हूँ, और ये इसका ब्लाउज इस तरीके से 2450। किसी को भी पीस दिखा दो, पीस दिखाते ही रुकेगा ही नहीं आपकी दुकान पे, हाथों हाथ खत्म है पीस, ये मेरी गारंटी है। इतनी देर रुकने वाले पीस ही नहीं है। एक ये देखिए, इसमें फ्लेयर देखिए कितनी बढ़िया, और ये इस तरीके से तो ब्लाउज, इसकी चुन्नी भी दिखाई दी है, पास से ले लो, चुन्नी में बॉर्डर पे भी इस तरीके से बनाया हुआ। और रेंज वाइज आइटम 2650 रुपये। इस तरह के डिजाइन्स मेरे पास कम नहीं है, डिजाइन्स बहुत हैं, अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाई, चीजें कम नहीं है, चीजें बहुत सारी हैं। और मन की बात में आज मैं आपसे, सुबह मैंने पोस्टिंग करी थी तो मेरा फेसबुक पे पेज है मन की बात, वहाँ पे भी मन की बात पेज है, दो पेज बनाए हुए, एक मन की बात एक आरती साड़ी। आरती साड़ी में मैं वो पोस्टिंग करता हूँ अपनी साड़ीज की है उसकी, और मन की बात में मतलब वहाँ पर तो पॉसिबल हो जाता है, इसलिए मैं दो बनाए हुए अलग अलग पेज, जहाँ मेरा जो मन होता है वो करता हूँ, और मतलब पोस्टिंग उस तरह से करता हूँ। यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि मुझे दोनों चीज़ एक ही साथ लेके चलनी पड़ती है, इसलिए मैं बाद में बोलता हूँ वीडियो में कि अब जितना लोगों को साड़ी देखनी है, जो भी आइटम देखनी है वो देख लो। सब पिता को, खासतौर पर हम पिता की बात करेंगे, है मदर के साथ भी, बुढ़ापा इतना नहीं को होता, कभी भी नहीं को होता, मजबूती के साथ खड़ा होता, पूरी जिंदगी मजबूती के साथ खड़ा होता है। लेकिन बच्चों का व्यवहार, थोड़ा बोलना नीचे शोर कम करेंगे, बच्चों का व्यवहार जो है वो तोड़ देता है। मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बच्चों से दोनों के लिए है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पिता से, अपने मदर से, मदर फादर दोनों से, और फादर से भी ये कहूँगा, बड़े हो चुके बच्चे जिस एज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब फादर जब 60+ के हो जाएं, मेन बात तो ये है कि जब बच्चे बड़े हो गए 20+ होगा, 20-22 साल, बच्चे समझदार हो गए, लेट देम डू व्हाट दे वांट्स टू डू। हम ऐसा नहीं है कि हमें नहीं बताना, बताना है, समझाना है, एक बार समझा दिया, एक बार कह दिया, जिंदगी उसने गुजारनी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि देख के, बात सुन के, समझ के उन्हें समझ आ जाती है, वो मान जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जब तक ठोकर नहीं खाएंगे ना मजा नहीं आता, तो आप समझाई तो रहो, उसके फायदे के लिए तो कर रहे हो। मैं फादर से भी कहूँगा उसके फायदे के लिए कर रहा हूँ, नहीं सुन रहा ना, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, उसको करने दो वो जो करना चाहता है, वो कर करके समझ आएगी। बच्चों को भी ठीक है, दोनों जगह कहीं ना कहीं स्वाभिमान भी आ जाता है, आड़े इसलिए भी होता है ना, इसलिए आपस में कहा सुनी हो जाती है। दोनों को मैं यही कहूँगा आपस में एडजस्टमेंट रखनी चाहिए, व्यवहार आपका ही फादर को, बच्चों से कहूँगा आपके फादर को मजबूत बनाता है। जो फादर देखते हैं कि बच्चा मजबूत है और हर जगह सही डिसीजन ले रहा है, आगे बढ़ के काम कर रहा है, बस सुनता है समझता है, फादर भी मजबूती के संग खड़ा होता है। को थोड़ा सा तो होता ही है, मैं नहीं कर रहा है लेकिन मेरे बेटे ने तो कर दिया,
और बच्चों को ये होना चाहिए, फादर को भी होना चाहिए कि ठीक है बच्चे बड़े हुए आगे बढ़ के डिसीजंस ले रहे हैं, आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, सुनता है तो बहुत बढ़िया, नहीं सुनता तो भी बहुत बढ़िया। इनको इतनी दिमाग मत लगाइए, बाकी मेरी बात सही लगे तो जरूर वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे शेयर करने का पीछे पर्पज़ ये नहीं होता, पर्पज़ ये होता है कि लोग वो इस तरह की बात जो मैं बाद में करता हूँ मन की बात, मेन पर्पज़ तो वही होता है कि वो भी होता है, बाकी माल तो बेचना जरूरी है, वो भी काम करना ज़रूरी है, दोनों काम हो जाते हैं एक साथ। इसी तरह प्यार देते रहिए, धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।